गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 9, द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, एंड वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास डेवलपमेंट लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेंटिंग्स. द मुगल एम्परर्स पैटर्नाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. This style of painting was called miniature. देखिए, मुगल एम्परर में अगर हम बोलें highly skilled painters, जिन्हें अपनी एरिया की बहुत ज़्यादा अच्छी एंड डीप नॉलेज थी, वो लोग क्या करते थे, हिस्टोरिकल अकाउंट्स हो गए, मनुस्क्रिप्ट हो गए और पोइट्री हो गई, उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स बना गए, जिसे हम बोलते थे miniatures. Miniatures are the name suggests were small size painting generally done in watercolors of cloth or on the paper. देखिए, मिनिएचर का मतलब क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज़ का छोटे रूप में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का मिनिएचर हम ग्लोब के तौर पे देख सकते हैं. जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग का मॉडल बनाया जाता है, तो वो क्या है, मिनिएचर है उस बिल्डिंग का. तो यहाँ पर बात की जा रही है, मिनिएचर का मतलब होता है कि किसी बड़ी चीज़ को हम लोगों ने स्मॉल साइज में, या तो कपड़े का हो गया या फिर पेपर पे हम लोगों ने वाटर कलर्स की हेल्प से उतार दिया, वो होते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स. दीज पेंटिंग्स वर जनरली पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, बहुत तड़क भड़क, मतलब रेड ब्लू, जो चीज़ रियलिटी में है वही चीज़ उसमें डिपिक्ट किए जा रही है. सो ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट, कोर्ट सीन्स, सीन्स ऑफ बैटल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ. उन पेंटिंग्स में क्या बनाया जाता है, जैसे कोर्ट सभाएं चल रही हैं वैसी पेंटिंग्स बना ली, या फिर कोई लड़ाई चल रही है, कोई वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड पेंटिंग्स हो गई, या फिर कोई भी अदर सोशल लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग्स को बनाया जाता था. द पेंटिंग्स ऑफ अकबरनामा आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ लाइफ ऑफ एट द मुगल कोर्ट, डिपिक्टिंग द बैटल्स टू ओवरथ्रो द ग्रेट राजपूत फोर्टनेस ऑफ चित्तौड़ एंड रणथंबोर, द हंट, द अराइवल ऑफ एम्बेसाइसिस टू द कोर्ट, रीजॉइसिंग एट द बर्थ प्लेस, सॉरी बर्थ ऑफ अ प्रिंस एंड द बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सीकरी. तो अकबरनामा नाम की जो बुक थी, आपको बता दिया गया है किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ऑल वी हैव डन. सो अकबरनामा जो बुक है, डॉक्यूमेंट है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या शो करता है, पेंटिंग्स की बात करें तो क्या पेंटिंग में शो कर रहा है, मुगल कोर्ट को दिखाया जा रहा है, फोर्ट दिखाए जा रहे हैं, चित्तौड़ का फोर्ट दिखा दिया, रणथंबोर का फोर्ट दिखा दिया, शिकार करते हुए दिखाया गया है लोगों को, कोर्ट, किसी प्रिंस का बर्थ हुआ उसको दिखाया जा रहा है, फतेहपुर सीकरी के जो बिल्डिंग है उसको शो किया जा रहा है. रियलिज्म इज द की नोट ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इट्स सब्जेक्ट्स आर लार्जली ड्रॉन फ्रॉम इंसिडेंट्स कनेक्टेड विद द मैग्निफिशेंट कोर्ट लाइफ ऑफ द टाइम, इन स्केल ऑफ द मुगल पिक्चर इज स्मॉल एंड अंडर पॉपुलर नेम मिनिएचर पेंटिंग. मतलब कोई भी बड़ी चीज़ को हम लोग शो कर रहे हैं किसी पेपर में, क्लॉथ में, वो मिनिएचर पेंटिंग हो गया, तो एकदम सच पे आधारित है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनती थी एट दैट टाइम. कनेक्शन थे इसके, इट्स कनेक्शन विद पोर्शन बुक इलस्ट्रेशन में भी ऑब्जर्व, तो हम लोग कनेक्शन देख सकते हैं पोर्शन बुक का मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर. अकबर हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड जहांगीर फॉलोड दिस ट्रेडिशन. सो अकबर के टाइम पीरियड में हम लोग पोर्ट्रेट पेंटिंग के एक तरीके से एंट्रेंस देख सकते हैं, जिसे जहांगीर ने भी फॉलो किया हुआ है. इन एडिशन टू द एम्परर एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, मुगल आर्टिस्ट ऑल्सो पोर्ट्रेट होली मैन, सेंट्स, डांसिंग गर्ल्स, सोल्जर्स, लवर्स, कैलियोग्राफर्स एंड पेंटर्स. अब देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि रॉयल फैमिली या रॉयल कोर्ट दिखा दे, और भी चीज़ों की पेंटिंग या फिर और भी इंसानों की पेंटिंग को भी शो किया गया है, जैसे होली मैन जिसकी पूजा की जाती है, पवित्र इंसान, ऐसे तो एकदम एक्यूरेट हिंदी हो गई इसकी, आपके देवताओं की देवताओं की पेंटिंग्स बन रही हैं, डांसिंग गर्ल, महात्माओं की पेंटिंग, इन सभी की पेंटिंग पर भी फोकस किया गया था. जहांगीर हैड इनहेरिटेड इन फुल मेजर बाबर्स लव ऑफ नेचर एंड ही कमीशनड आर्टिस्ट टू डिपिक्ट फॉर हिम पोर्ट्रेट ऑफ रेयर एनिमल्स एंड बर्ड.
अब जहांगीर की बात करें, आप जहांगीर का भी फोटो देखेंगे ना तो उसको बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ ही देखेंगे। उनकी पेंटिंग की एक खासियत है हम बोलेंगे। सम ऑफ द फिनिश्ड स्केचेस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड सच एज हिमालयन चीक, पीजेंस सॉरी फेजेंस एंड टर्की कॉक विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में आप लोग ये पेंटिंग्स देख सकते हैं। एंड फैल्कन प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बॉम्बे में भी ये पेंटिंग दिख जाएगी। बिलीव टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाई आर्टिस्ट मंसूर आर सुपर्ब क्रिएशन। तो इन पेंटिंग्स को अगर आप सर्च करोगे तो आपकी पेंटिंग्स दिख जाएंगी। इससे पता चलता है कि उस टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट थे इतना बेहतरीन काम करते थे। इट इज विद द सेट ऑफ रागमाला पेंटिंग डन इन 1605 इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ मेवाड़ दैट वी कम टू द फर्स्ट स्पेसिफिक वर्क बिलोंगिंग टू राजस्थानी पेंटिंग। ये तो बात हम लोग अभी तक कर रहे थे मुगल पेंटिंग की। अब अगर हम राजस्थान पेंटिंग, क्योंकि हम लोग राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान में ही रहते हैं, तो राजस्थानी पेंटिंग की अगर हम इंट्रोडक्शन दें तो रागमाल पेंटिंग से हम लोग देंगे 1605 में माउंटेनियस रीजन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के जो पहाड़ी इलाके थे ना उसको यहाँ पर शो किया गया था। द मेवाड़ पेंटिंग पोर्ट्रे इंसिडेंट्स मेनली फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्णा एंड हिज फ्रोलिक विद द गोपीज एंड द हीरो हीरोइन थीम्स ऑफ हिंदी पोइट्री एंड पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन म्यूजिकल नोट्स। अब देखो अगर हम राजस्थानी पेंटिंग की बात करें तो क्या शो किया जाता है राजस्थानी पेंटिंग के अंदर? कृष्णा शो किए, भगवान कृष्ण शो किए जाते हैं, उनके संग गोपियां शो की जाती है, हीरो हीरोइन शो किए जा रहे हैं, हिंदी पोएट्री से रिलेटेड म्यूजिकल नोट्स शो किए जा रहे हैं। तो ऐसी होती थी राजस्थानी पेंटिंग। इलस्ट्रेशन फ्रॉम द भगवत एंड द रामायण आर कंसीव्ड and executed on a wider canvas and hundreds of figures overcrowding the scenes play their roles against the background of the social life of the time. तो रामायण एंड महाभारत के कुछ सीन्स भी यहाँ पर इन तरीके से अगर हम बोले इलस्ट्रेट किए जा रहे हैं। रूरल लाइफ मैरिज सेरेमनी मतलब शादी के जो समारोह होते हैं, प्रोसेशन डांस म्यूजिक पार्टी, इन सब से भी रिलेटेड फीलिंग्स को एक तरीके से पेंटिंग में पोर्ट्रे किया जा रहा है। ना पहाड़ी पेंटिंग की अगर हम बात करें तो राजपूत पेंटिंग, ऑल्दो द टर्म राजपूत पेंटिंग हैज़ ऑफन बीन यूज टू रेफर सोली टू द आर्ट ऑफ राजस्थान, इंपॉर्टेंट आर क्वाइट डिस्टिंक्ट आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑल्सो टेक प्लेस अमंग द स्मॉल हिंदू किंगडम ऑफ द पंजाब हिल्स। राजस्थानी पेंटिंग की बात करें, अब थोड़ा बहुत पंजाब हिल्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। दिस लॉन्ग नैरो रीजन ऑफ हिमालय फुट हिल्स वॉज स्प्लिट अप लाइक राजस्थान इन टू मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट डॉटिंग द रिच वैली ऑफ चिनाब रावी बीस सतलज एंड जमुना। देखो पंजाब को हम पंच नद के नाम से भी जानते हैं, नदियाँ गुजरती है वहाँ पर, तो एक पहाड़ी इलाका हो सकता है मतलब बोला जाता है। तो यहाँ पर नदियों के नाम भी दे दिए कौन कौन सी नदियाँ वहाँ से गुजरती हैं। मोस्ट ऑफ दीज स्टेट सच एज बसोली, लेट मी टर्न द पेज, बसोली चंबा गुलेर जमुना सॉरी जम्मू नूरपुर कुल्लू गढ़वाल कांगड़ा एंड द कपल ऑफ अदर व सिचुएटेड एमिड स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड एक्सक्वाइसाइट वुडलैंड सीनरी। अब ये पहाड़ी इलाके, और हमें पता है पहाड़ी इलाके इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, तो यहीं पर उस चीज़ की भी बात की गई है। वहाँ के रूलर हेरिडेटरी राजपूत फैमिली से रिलेटेड अमंग देमसेल्फ बाय मैरिज और अदर फैमिलीज टाइज। तो देखो कभी कभी ऐसा होता था कि कोई दो राजा में लड़ाई हो रही है या फिर कोई जो दो राजा हैं यहाँ की फैमिली मतलब यहाँ की जो डॉटर है वहाँ चली जाती थी, तो बहुत सारी राजपूत फैमिलीज की जो हेरिडेटरी राजपूत फैमिलीज ही हो रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के संग यहाँ पर मैरिज सेरेमनी को एक्सचेंज कर लिया जाता था। तो लव इज द इंस्पिरेशन एंड द मेन प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द पहाड़ी स्कूल वेदर द मिनिएचर पोर्ट्रे द बियॉन्ड सॉरी बॉयहुड प्रैंक्स ऑफ द कृष्णा एंड काउहर्ड कंपैशन ऑफ हिज आर्मर्स विद राधा एंड पिजन्स ऑफ सीजन्स और द नो मोड्स ऑफ म्यूजिक द प्रिंसिपल थीम इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाई द लव ऑफ मैन फॉर वुमेन और अ वुमेन सॉरी वुमेन फॉर मैन सिम्बलाइज बाई कृष्णा एंड राधा इन द रिलेशन ऑफ लवर एंड बिलव। देखिए अगर हम बोले प्रेम की जो भावना है उसको भी एक इंस्पिरेशन के तौर पर पेंटिंग्स में दर्शाया गया है, जहाँ पर हम राधा और कृष्ण का लव को देख सकते हैं, उनके अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीकों को देख सकते हैं। आपकी पेंटिंग्स में इसको शो किया जाता है कि लव फॉर अ मैन फॉर वुमेन, वुमेन फॉर अ लव सिंबलाइज राधा एंड कृष्णा रिलेशन ऑफ लवर एंड बिलव।
कांगड़ा पेंटिंग इज द पिक्टोरियल आर्ट ऑफ कांगड़ा, नेम आफ्टर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है उसी के नाम से इस पेंटिंग का नाम भी है। फॉर्मर प्रिंसली स्टेट विद पैट्रनाइज द आर्ट, इट बिकेम प्रिविलेंट विद द फेडिंग ऑफ वसूली स्कूल पेंटिंग इन मिड 18th सेंचुरी एंड सून प्रोड्यूस सच अ मैग्नीट्यूड ऑफ पेंटिंग बोथ इन कंटेंट एज वेल एज वॉल्यूम दैट द पहाड़ी पेंटिंग स्कूल came to be known as Kangra painting. So you can see the painting of Kangra. Here is the picture. So इस पेंटिंग में हम लोगों ने, मतलब इस पेंटिंग टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने मुगल पीरियड की पेंटिंग देखी, हम लोगों ने राजस्थान पीरियड की पेंटिंग देखी, क्या क्या उसके अंदर शो किया जाता है वो सभी देखा है। कांगड़ा पेंटिंग की अगर हम बात कर लें, पहाड़ी पेंटिंग की अगर हम बात कर लें, सभी पेंटिंग्स में खूबसूरती को वाटर कलर्स की हेल्प से एक मिनिएचर के फॉर्म में दिखाया गया। अब जैसे पहाड़ है, हो सकता है वो बहुत किलोमीटर ऊंचा हो, तो हमने उतने किलोमीटर ऊंचे पेजेस थोड़ी लिए, हमने क्या किया उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक स्मॉल फॉर्म में हम लोगों ने डिपिक्ट कर दिया, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको, चेंज करके उसको मिनिएचर में फॉर्मेशन करके उसको हम लोगों ने पेंटिंग के तौर पर लोगों को दिखाया। तो हम लोगों ने इस टॉपिक के जरिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स की फीचर्स देखे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस म्यूजिक।